गाइस कैसे आप सभी। सो गाइस आज का टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 5.1 एपी यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस, जैसे हम हिंदी में कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आज ये चली गाइस, हम इसको इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड बता रहे हैं, तो इसको अच्छे से समझते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं कि आपको कैसी लगी यह वीडियो। क्वेश्चन दिया है, राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फ्लो एज फॉलो। दिया गया है कि दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस डी निम्नलिखित है। देखो दोस्तों, मैंने आप लोगों को अपनी एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन की वीडियोस में आपको एक जर्नल फॉर्म ऑफ एपी बताया था, जर्नल फॉर्म ऑफ एपी मैंने आपको बताया था बेटा, जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है। मैंने क्या बताया था आपको जनरल फॉर्म ऑफ एपी के बारे में, इसमें बताया था कि ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ठीक है ए प्लस थ्री डी कॉमा और डेड डेड डेड, मतलब इस तरीके से सीरीज चलती जाएंगी, जिसमें पहला वाला जो ए दिख रहा है ये सिंपल ए दिख रहा है, ये हमारा ए वन होता है बेटा, और ये हमारा ए टू होता है, यानी ये दूसरा टर्म, ये फर्स्ट टर्म यानी पहला पद, दूसरी टर्म यानी कि दूसरी पद यानी कि सेकंड टर्म, ये तीसरा पद होता है यानी ए थ्री, समझ ही गए होगे आप लोग, है ना गाइस, है ना। और ये तीसरी यारी दिख रहा है, ये चौथी टर्म होती है ए फोर। तो इस तरीके से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो ये आपको पता है अच्छे से कि पहली टर्म होती है, ये दूसरी टर्म होती है, तीसरी टर्म होती है, चौथी टर्म होती है। तो बेटा यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें बोल रहा है कि दी गई एपी के प्रथम चार पद लिखिए, यानी कि दी जो राइट फर्स्ट फोर टर्म ऑफ दी एपी, यानी कि पहले स्टार्टिंग के चार टर्म्स हमें लिख के बताने हैं। जिन लोगों ने हमें हिंट दे दिया है कि पहली टर्म की स्टार्टिंग 10 से हो रही है एंड उसके आगे की जो टर्म आप लिखेंगे तो वो उनका कॉमन डिफरेंस हमने बता दिया है हमारा कितना डी यानी कि 10। तो अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में इसको अकॉर्डिंग इसके अकॉर्डिंग हमें इस फॉर्मूले में रिफिल करना है और उसके बाद इसे निकालना है। तो चलिए आ जाइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दिया बेटा ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी कॉमा डेड डेड डेस। अब यहाँ पर ए कौन है बेटा, ए हमारा कौन है 10, तो 10 रख दीजिए कॉमा, ए कौन है 10 प्लस बेटा डी कौन है बेटा 10, यहाँ डी लिख दिया कॉमा। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए कौन है बेटा 10, यहाँ रख दीजिए बेटा प्लस 2 इंटू डी कौन है बेटा 10 लिख दिया कॉमा, ए कौन है बेटा 10 प्लस 3 इंटू डी कौन है बेटा 10। इस तरीके से ये सीरीज चलती जाएगी, ठीक है। तो अपन है ना सीरीज का अंत भी लिखा नहीं है, तो इसका मतलब ये कि सीरीज चलती ही जाएगी, तो इसलिए हम थोड़े नंबरों तक ही सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, चार नंबरों तक चलिए, क्योंकि हमें बोला गया है फर्स्ट फोर टर्म्स, तो ये फोर टर्म्स हो जाएंगी, क्लियर है। चलिए 10 एज इट इज़ आ जाएगा कॉमा, 10 प्लस 10 कितने होते हैं बेटा 20 कॉमा, 10 प्लस 2 इंटू 10, देखो पहले क्या करो 10 का इंटू 2 से करो, 10 टू 10 दुनी 20, 20 प्लस 10 30 कॉमा, 3 10 जा 30, 30 प्लस 10 हो जाएंगे 40 कॉमा, फिर डेस डेस डेस, यानी कि जो हमारी स्टार्टिंग की फर्स्ट फोर टर्म्स जो हमें निकालने को बोल रहे थे एपी की, जी हैं 10, 20, 30, 40 एंड डेड डेस, मतलब मैनी जितने भी एक्सेट्रा हो सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। सो गाइज आपको समझ में आ गया होगा ये फर्स्ट फोर टर्म्स हैं, ये कौन सी है बेटा, फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दी एपी, गॉट इट। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई बेटा कैसे निकालनी है। चलिए इसी के साथ इसी पेज पे हम, स्पेस तो है ही, इसी पेज पे हम एक और कर देते हैं क्वेश्चन, आ जाइए सेकंड। आई होप आपको मेरी बात और आवाज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी और मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा, है ना गाइज। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में बता सकते हैं, आप लोग के लिए मैंने कमेंट की खिड़की खोल के रखी है, ठीक है, तो इसलिए फटाफट से कमेंट्स कर सकते हैं, ओके गाइज। चलिए बातें तो बहुत हो गई, सॉल्यूशन भी कर लेते हैं। चलिए तो सॉल्यूशन दिया है बेटा,
देखिए सेकंड क्वेश्चन मैंने लिख दिया है बेटा, ए इज इक्वल टू माइनस की टू, डी इज इक्वल टू में जीरो, यानी ये जीरो डिफरेंस है अब, मतलब जो भी कॉमन डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। जैसे हमने ऊपर रखा वैसे ही हमें नीचे करना है बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले नंबर हम क्या लिखेंगे, जी लिख देते हैं सीरीज, ठीक है। सीरीज क्या, कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस टू डी कॉमा ए प्लस थ्री डी, क्योंकि फोर टर्म्स तक बोला है ना, अदरवाइज बाकी देखी जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे बताइए ए कौन है, माइनस के टू, और डी मतलब कॉमन डिफरेंस कौन है, जीरो। तो ए की जगह माइनस के टू रख दीजिए बेटा, कॉमा, फिर ए पूछ लिया माइनस के टू रखिए प्लस, बेटा जीरो बोल रहा है, डी है ना, डी की वैल्यू जीरो है तो जीरो रखिए, कॉमा, ए कौन है, माइनस के टू है बेटा, प्लस टू इंटू डी कौन है बेटा, जीरो। बेटा ध्यान देना, मैं इसी ए की जगह ए रख रहा हूँ, मतलब ए की जगह जी वैल्यू रख रहा हूँ, डी की जगह जी वैल्यू रख रहा हूँ इस पूरी सीरीज में, तो इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है। माइनस के टू प्लस थ्री इंटू जीरो कॉमा जीरो डेड डेड डेस, मतलब फोर टर्म्स तक बोला जी, हो गई फोर टर्म्स, ओके। चलिए माइनस के टू एज इट इज आ जाएगा बेटा, यहाँ देखिए माइनस के टू प्लस जीरो, माइनस के टू बचेंगे कॉमा, यहाँ पे देखिए माइनस के टू प्लस टू इंटू जीरो, टू इंटू जीरो हो जाएंगे बेटा जीरो, क्योंकि किसी भी संख्या में आप अगर आप जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे वो हो जाती है जीरो, तो जीरो प्लस माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। कॉमा यहाँ पे थ्री इंटू जीरो, वही सेम कंडीशन, जीरो हो जाएगा, यहाँ पे माइनस के टू बचेंगे कॉमा डैस 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 डैस। तो आप देख पा रहे होंगे माइनस के टू माइनस के टू माइनस के टू माइनस के टू, इसका अर्थ ये निकलता है कि इन दोनों में, इसमें सीरीज में कॉमन डिफरेंस जीरो है, और जो हमें फर्स्ट फोर टर्म्स तक निकालना था वो ये आ चुका है। यानी कि गाइस जो देखिए फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ द एपी, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी तो मैंने सही कर दी है, आई होप आप लोग मुझे समझेंगे। चलिए तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया बेटा, पहला और दूसरा क्वेश्चन नंबर सेकंड का। चलिए इसी के साथ इसके बाकी के टॉपिक और निपटाते हैं। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप लोग इसे अपनी कॉपी में बिना देखे इसको अभी करके देखिए, जिससे आपका रिविजन हो सके अच्छे से। चलिए मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में अगले। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमें लिखना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बिकॉज इससे पिछले क्वेश्चन